हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम। इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बताऊंगा। किसी नंबर के डिजिट के प्लेस वैल्यू को ऐड करके नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा जाता है। तो जैसे 65 है तो 65, जैसे 5 है तो 5 का प्लेस वैल्यू तो 5 ही है क्योंकि वो वंस के प्लेस पे है, और 6 टेंस के प्लेस पे, इसका इसीलिए उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 60। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। और फिर जैसे ये है 275, तो 5 वंस के प्लेस पे इसलिए उसका तो प्लेस वैल्यू 5 ही हो जाएगा। और ये 7 है, 7 टेंस के प्लेस पे है तो इसलिए उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 70। और ये जो 2 है ये 100 के प्लेस पे है इसलिए उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 200। तो हम इन सब ऐड करेंगे तो ये 275 आ जाएगा। फिर है 4323, तो जो इसमें 3 है वो वंस के प्लेस पे के लिए इसीलिए उसका मतलब उसका प्लेस वैल्यू 3 हो गया। और ये 2 है ये 2 टेंस के प्लेस पे इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगा। फिर ये 3 है ये 100 के प्लेस पे है इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू 300 हो जाएगा। और ये 4000 के प्लेस पे है इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू 4000 हो जाएगा। और हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा 4323 आ जाएगा। फिर है 71305, तो ये जो 5 है, ये जो 5 है ये वंस के प्लेस पे है, 5 वंस के प्लेस पे है इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा। और ये टेंस के प्लेस पे 0 है इसलिए इसका 0 टेंस, कोई टेंस ही नहीं। और ये 300 के प्लेस पे है इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 300। और ये 1000 के प्लेस पे इसलिए इसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू 1000। 10000 के प्लेस पे इसलिए इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 70000। और फिर हमारा नंबर है 245355, तो जो इसमें 5 है 5, तो इसका तो प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा क्योंकि वंस के प्लेस पे है। और इस 5 का ये टेंस के प्लेस पे इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 50 हो जाएगा। और ये जो 3 है ये 100 के प्लेस पे इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 300। फिर ये 5 है ये 5000 के प्लेस पे इसके लिए इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5000। और ये 4 10000 के प्लेस पे इसलिए इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 40000। और ये 200000 के प्लेस पे इसलिए इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 200000। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।